25 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में एक तरफ गुजरात के रहने वाले पीएम मोदी गरज रहे थे तो दूसरी तरफ उसी गुजरात की रहने वाली काजल निषाद, लेकिन एक गुजराती दूसरे गुजराती पर भारी पड़ रही थी। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाजपा। समाजवादी पार्टी से इश्क है, जुनून है मेरी तरह। वो जब बोलती है तो विरोधियों की बोलती बंद हो जाती है। जनता को निर्णय करना पड़ेगा कि अब जनता ताली थाली गाजा बाजा वाली सरकार चाहती है कि सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती है। जब दहाड़ती है तो विरोधियों को गीदड़ की तरह भागना पड़ता है। आपको तय करना पड़ेगा, आपको निर्णय करना पड़ेगा कि आप विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली और महिलाओं का चीर खींचने वाले दुशासन और दुर्योधन की सरकार चाहते हैं कि महिलाओं की लाज रखने वाले भगवान श्री कृष्ण के वंशज यदुवंशी के सुपुत्र अखिलेश यादव जी की सरकार चाहते हैं। मंच पर चढ़ती है तो माहौल में जोश भर देती है। यही नारा आज का, नोटबंदी की मार का, कोरोना के काल का। टीवी पर एक्टिंग करती है तो तालियां बजाने को मजबूर कर देती है। ताली थाली बाजा का, अत्याचारी राजा का, जुमलों की बौछार का, ऑक्सीजन की मार का। फिल्मी पर्दे पर उतरती है तो लोगों की वाहवाही लूट ले जाती है। वो है गुजरात वाली, लेकिन गुजरात वाले दिग्गज भी उससे डरते हैं। नाम है काजल निषाद। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाजपा। इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में काजल निषाद की बड़ी जोर शोर से चर्चा हो रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। मोदी जैसा अटैकिंग पावर, सुषमा स्वराज जैसी बोलने की स्टाइल और साथ ही साथ ममता बनर्जी जैसे विरोधियों की कमजोर नब्ज पर हमला करने का जो पावर है काजल निषाद के पास, वो विरले ही किसी के पास होता है। इसलिए काजल निषाद जब बोलने के लिए किसी मंच पर चढ़ती हैं तो उनके सामने बाकी सब लोगों का भाषण फीका लगने लगता है। काजल निषाद का जन्म 1 जून 1982 को मुंबई में हुआ था। उनका पूरा परिवार कच्छ गुजरात का रहने वाला था। शादी ब्याह नाम की भोजपुरी फिल्म से उन्होंने टॉलीवुड में डेब्यू किया। 2009 से 2014 के बीच लापता गंज में काम करने का मौका मिला। उनका चमेली का किरदार लोगों को खूब हंसाता रहा। इश्क का रंग सफेद, तोता वेट्स मैना जैसे सीरियल में भी काम किया। तोता वेट्स मैना में राम कटोरी चाची का किरदार बहुत पॉपुलर हुआ। फिल्मों में काम करते करते काजल निषाद संजय निषाद को अपना दिल दे बैठे। संजय निषाद भोजपुरी फिल्मों के प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे और इसी दौरान दोनों में प्यार हुआ, दोनों की शादी भी हो गई। इसके बाद काजल निषाद को डायरेक्ट राजनीति में एंट्री मिली कांग्रेस पार्टी से। गोरखपुर ग्रामीण सीट से कांग्रेस पार्टी ने साल 2012 के चुनाव में काजल निषाद को अपना उम्मीदवार बना दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है जनता को, ये जुनून है मेरी तरह। तो ये जितने भी कार्य हुए हैं भाजपा में, जो अत्याचार के कार्य हुए हैं जनता पर, तो अब जनता को तय करना पड़ेगा, जनता को निर्णय करना पड़ेगा कि अब जनता ताली थाली गाजा बाजा वाली सरकार चाहती है कि सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती है। तो ये आपको तय करना पड़ेगा, आपको निर्णय करना पड़ेगा कि आप विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली और महिलाओं का चीर खींचने वाले दुशासन और दुर्योधन की सरकार चाहते हैं कि महिलाओं की लाज रखने वाले भगवान श्री कृष्ण के वंशज यदुवंशी के सुपुत्र अखिलेश यादव जी की सरकार चाहते हैं। जय समाजवाद। और आप सबको मेरे साथ साथ देना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि नहीं चाहिए भाजपा। काजल निषाद का कांग्रेस में आना और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की कहानी भी बड़ी रोचक रही। काजल निषाद को कांग्रेस ने गोरखपुर ग्रामीण सीट से उम्मीदवार बनाया। 4 फरवरी 2012 को एक जनसभा से लौटने के दौरान काजल पर हमला हो गया। काजल के सिर और हाथ पर गंभीर चोट आई। काजल पर हमला करने का आरोप रामभुआल निषाद पर लगा। रामभुआल निषाद बीएसपी के उम्मीदवार थे। काजल की सभा में जुटने वाली भीड़ तत्कालीन सरकार के उम्मीदवार को बेचैन कर रही थी। इसी से घबराकर बीएसपी समर्थकों ने काजल की गाड़ी पर हमला कर दिया। उसके बाद काजल के समर्थकों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सड़क जाम कर दिया। यही नारा आज का,
का खा कर नहीं आए का, हम भी तो चाय पी कर आए हैं। यही नारा आज का, नोटबंदी की मार का, कोरोना के काल का, ताली थाली बाजा का, अत्याचारी राजा का, जुमलों की बौछार का, ऑक्सीजन की मार का, गंगा जी की लाशों का, बाबा जी के झांसों का, महंगा सब्जी दाल का, पेट्रोल डीजल आज का, महंगा गैस रसोई का, महिला अत्याचार का, अपराधी के राज का, दुशासन है आज का, दुर्योधन है आज का, सुनवाई नहीं आपका, अरे मेरा है ना आपका, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए भाजपा, जय समाजवाद। ये इश्क जुनून दिखाइएगा, सिर्फ और सिर्फ साइकिल को याद रखिएगा, कोई भी प्रत्याशी हो ना, अपना मन मुटाव भूल कर सिर्फ माननीय अध्यक्ष जी का चेहरा याद रखिएगा, विकास याद रखिएगा, और हमें समाजवादी की सरकार बनानी है। पत्रकार महोदय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जितने समाजवादी के कार्य है दिखाना शुरू कीजिए, गांव में घर घर दिखाना शुरू कीजिए। 10-90 की बात हो, 108 की बात हो, 102 की बात हो, यूपी 100 डायल की बात हो, जितने समाजवादी की योजनाएं हैं डोर टू डोर पहुंचाने का काम करिएगा। 2017 का चुनाव काजल निषाद हार गई, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने बहुत दमदार तरीके से अपना प्रदर्शन दिखाया। इसके बाद आया साल 2019, लोकसभा का चुनाव हो रहा था। गोरखपुर में चूंकि निषाद वोटर प्रभुत्व वाले वोटर माने जाते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी से काजल निषाद टिकट की प्रबल दावेदार थी, पर कांग्रेस पार्टी ने उनकी जगह टिकट दे दिया मधुसूदन त्रिपाठी को। इस बात से काजल निषाद नाराज हो गई और बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पूरे गोरखपुर में निषादों का जबरदस्त प्रभाव है। योगी आदित्यनाथ को जब भी टक्कर मिली तो निषाद जाति के उम्मीदवारों से ही मिली, फिर चाहे वो प्रवीण निषाद हो, राजमती निषाद हो या फिर रामभुआल निषाद। लेकिन काजल निषाद के तौर पर समाजवादी पार्टी को भी एक बड़ा निषाद चेहरा मिल गया, इसलिए 7 अगस्त 2021 को अखिलेश यादव ने काजल निषाद को समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराया। मैं बाबा को अब कह देना चाहती हूँ, बाबा अब आप पूजा पाठ आरती अगरबत्ती ताली थाली बजाइए। एक हमारे पास भी अब बाबा आ गए हैं, उनको राजनीति अब करने दीजिए। बाबा प्रदेश की चिंता मत करो, प्रदेश की चिंता मत करो। माननीय मोदी जी कहते हैं ना कि झोला उठा के चले जाएंगे, झोला उठा के चले जाएंगे, उस झोला में जनता चेक करेगी चचा, उस झोला में आप का लेके जा रहे हैं। तो बाबा प्रदेश की चिंता मत करो, हम कमल का झोला और झोल बदल देंगे। अरे इतिहास की क्या हस्ती है, हम समाजवादी पूरा भूगोल बदल देंगे। काजल अकेले नहीं आए, अपने साथ 1000 लोगों को भी लेकर आए। काजल निषाद के पास स्टारडम है, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, अच्छा बोलती है, इसलिए माना जा रहा है कि उनका राजनीतिक करियर अच्छा हो सकता है। खैर, जिस तेवर के साथ वो समाजवादी पार्टी में राजनीति कर रही हैं, वो तो यही बता रहा है कि अब विरोधियों का उनके सामने टिकना बहुत मुश्किल होने वाला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।